अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी लास्ट वीडियोस पे बेहतरीन रिस्पांस आया और आज मैं मोस्ट डिमांडिंग स्टोरी टाइम करने वाला हूँ और वो है हॉरर स्टोरी। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। अच्छा, जिन्होंने कर लिया उनका शुक्रिया भाई, जिन्होंने नहीं किया है दो मिनट लगेंगे यार, जाओ कर दो, भाई कह रहे हैं मान लिया करो। अब स्टोरी शुरू करते हैं भाई। एज ऑलवेज स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं भाई। मैं अपने बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि मैं इस तरह का बंदा हूँ कि मुझे डर बहुत लगता है जिन भूतों से। ये चोर डाकू वाकू मेरे लिए कुछ नहीं है भाई, इनसे मैं नहीं डरता, ठीक है। हाँ यार, लेकिन भूत वगैरह और ये जो जिन्हों की बातें हैं ना, इनसे बड़ा डर लगता है। आप ये समझ लें कि अपने घर के अलावा, अपने घर में तो कोई नहीं डरता, अपने घर के अलावा अपने किसी दोस्त के घर में या होटल वगैरह में मैं अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं सो सकता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ कोई सीन हो जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, ये है, एक नेचुरल है भाई, क्या करें, है तो है। अच्छा भाई, अब जो स्टोरी है ना वो इसी चीज़ से रिलेटेड है भाई। आज से एक साल पहले मार्च में, लॉकडाउन लगने से एक हफ्ते पहले, मेरे पास आया मेरे पर्सनल चैनल के लिए एक प्रोजेक्ट और वो था दुबई में ट्रक अड्डा रेस्टोरेंट है। उन्होंने कहा कि भाई हमें एक चाहिए कॉमेडी स्केच। अब अमूमन होता ये है कि मैं या तो अपने साथ काशान को ऐड करता हूँ, चाहिए, और अगर हमाद भी होता है तो हम लोग डी डी एट्स के लिए कुछ करते हैं। पर काशान था इंडोनेशिया में और हमाद एज ऑलवेज अपने ऑफिस में बिजी था। खैर, मैंने सोचा कोई नहीं, मैं अकेला कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि भाई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ और चीज़ें खुद करनी है, मैंने कहा कर लूँगा, मैं आइडिया सोच लेना, कोई मसला नहीं है, स्क्रिप्ट भी लिख लूँगा, एग्जीक्यूट भी कर लूँगा, एक्टर्स भी मिल जाएंगे यार दुबई में, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ थी जहन में कि भाई अकेला रहूँगा कैसे, चार दिन के लिए जाना था, ठीक है। अच्छा, ये भाई टीन डब्बे वाला जा रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। अच्छा खैर, चार दिन के लिए मैंने रहना था वहाँ पर। अब मैंने सोचा यार, अगर मैं उनको कहता हूँ कि यार कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ, तो वो सोचेंगे यार क्या बचकाना बातें कर रहा है यार, हम इसको इतना अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक ठाक पैसे हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि यार मैं अकेला नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा दूसरा हल निकाला जाए। मेरे एक जानने वाले हैं दुबई में होते हैं, तो मैं उनसे रबते में भी था, मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ और रहने का इंतज़ाम आपने करना है। अच्छा, मैंने उनको भी डिटेल नहीं बताई कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैंने कहा जहाँ भी आप रहते हैं यार हम भी कहीं आपके साथ ही सो लेंगे और क्या। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं तो कंबाइंड रहता हूँ, चार पांच लोग साथ रहते हैं, एक ही बेड है मेरा, छोटी सी जगह है, क्योंकि ऑफिस वाले लोग होते हैं भाई, उनको जाना होता है ऑफिस और कम से कम रेंट लगे, पैसे बचाने होते हैं। अब ये भी मसला आ गया। अब उन्होंने मेरे लिए किया एक होटल, उन्होंने मुझे बताया भाई फैसल भाई कोई बात नहीं, आप आ जाए, मैं एक होटल कर देता हूँ। मैंने उनसे बातों बातों में ऐसे ही बहाने से बोला, मैंने कहा यार आप एक काम करें, डबल बेड वाला रूम करिएगा यार, चार दिन आप भी मेरे साथ रहें, मतलब अपने घर में रहते हैं ना उसकी जगह मेरे साथ रह लीजिएगा। उन्होंने कहा चलें, ठीक हो गया। अब वो कुछ कुछ तो समझ गए होंगे, इसको शायद डर लगता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला ये बात सामने नहीं हुई कि आप फैसल भाई क्यों कह रहे हो कि साथ रहना है, ठीक है। उन्होंने बोला डन है यार, अब भाई आपका भाई निकल गया दुबई के लिए। अब मैंने वहाँ पे प्लान किए हुए थे तीन चार काम, मुझे ब्लॉग भी बनाना था, मुझे वो ट्रक अड्डा का कॉमेडी स्केच भी बनाना था, मुझे उन भाई साहब के साथ भी वीडियो बनानी थी, और भी यार मतलब घूमना फिरना भी था। तो शुरू के दो तीन दिन तो भाई बड़े बेहतरीन गए, होटल भी अच्छा था, रूम भी सही था, कोई इशू नहीं हुआ। असल मसला आया सेकंड लास्ट डे। हुआ ये कि हम लोग पूरे दिन के थक के घूम फिर के शॉपिंग करके, क्योंकि लास्ट डे से हम लोग घर पहुँचे, होटल पहुँचे। अब जैसे ही एंटर हुए ना, तो मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने देखा बेड पे एक कॉकरोच चल रहा था, तो उनकी तो भाई हट गई फुल टाइम। उन्होंने बोला यार इतने पैसे लगा के हमने होटल किया है और गेस्ट हैं मेरे, ये क्या बेइज्जती करवा दी यार। तो अब ना उन्होंने बुलाया फौरन रूम सर्विस को, उन्होंने ठीक ठाक ली उनकी ना मन के, ये क्या है यार आप इसी वक्त मुझे दूसरा रूम दें और ये। तो फिर उन्होंने हमें उसी रूम के बराबर वाला रूम दे दिया। खैर, हमने कहा कोई नहीं यार, एक दिन की तो बात है, अब यहाँ के बजाय वहाँ सो जाएंगे। अब क्या हुआ, अब हम सोने लेटे क्योंकि पूरे दिन के थके हुए थे टाइट करके, तो वो भाई साहब तो फौरन ही सो गए। अच्छा, अब मसला ये कि वो लेते हैं खर्राटे और ठीक ठाक वाले ना, कमरे में फ़ैन वगैरह का सिस्टम तो है नहीं, सेंट्रलाइज एसी होते हैं, खामोशी हो रही होती है। अब मैंने कहा यार ये क्या सीन है, वो दो तीन दिन से भी यही चल रहा था कि वो खर्राटे लेते थे मैं जब सोता था, जब नींद बिल्कुल पीक पे होती थी। तो मैंने कहा अब यही करते हैं भाई, मैच का मैं शौकीन हूँ, मैंने कहा यार कोई भी क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स लगाई मैं देखने लेट गया। अच्छा, कमरे का थोड़ा सा नक्शा अगर मैं खींचूँ ना, तो वो इस तरह से था, एंट्रेंस है, एंट्रेंस होते ही सीधे उल्टे हाथ पे कबर्ड थी,
आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ पे एक बेड, फिर दूसरा बेड, और उसके अपोजिट एक टेबल रखी हुई थी और एक चेयर रखी हुई थी और LED लगी हुई थी। अब मैं यूं करके बेड पे यहाँ पे लेट गया, सामने वो चेयर पे मैंने वो जो शॉपिंग बैग्स थे ना जो शॉपिंग करके लाया था वो मैंने रख दिए। मैं लेट के आराम से अपना मैच देख रहा था, वो सब भाई साहब आराम से खर्राटे ले रहे थे, ठीक है। मैं इंतज़ार में था भाई जब नींद बिल्कुल पीक पे होगी तो सो जाएंगे। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि मैच देखते देखते मुझे एकदम से आवाज़ आई जैसे थैली को ना किसी ने यूँ करके करके ना दबा दिया हो। तो अब हम लोग यहाँ पाकिस्तान में होते हैं तो जहन में आता है कि कोई बिल्ली आ गई होगी, कोई चीज़ आ गई होगी, टकरा गई होगी, तो वहाँ तो बिल्ली का भी कोई सिस्टम नहीं है भाई। अच्छा मैं ना मैच देखते देखते एकदम हल्का सा उठ के बैठा। अच्छा चेयर यूँ रखी हुई थी और पीछे से आगे जो थैलियाँ थी ना वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन रखी मैंने वहीं थी। जितनी देर में मैं उठा ना थोड़ा सा तो वो एकदम से जो है थैलियाँ दोबारा से कचड़ करके आवाज़ आई उसमें ना भाई। वो जो सीन था ना, ठीक है, एकदम से जो रुआं होता है ना ये ऐसे ऊपर हो गया, कान में एकदम सुन सन्नाटा जैसे सीटी बज रही होती ना बम बम फटने के बाद, और दबाव सा महसूस हो रहा होता है, वो होने लगा, दिल धक 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 होने शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। अच्छा उसके बाद ना LED भी टक टक करके दो तीन आवाज़ें बोली होंगी। अक्सर आपने नोट किया होगा प्लास्टिक की चीज़ों में कभी टक टक आवाज़ आ जाती है, लेकिन उस मोमेंट में जो वो बोली ना आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, इतनी जल्दी मैंने चारों कुल और आयतुल कुर्सी कभी नहीं पढ़ी होगी जितनी उस दिन पढ़ी मैंने। मैंने फटाफट ये पढ़ी आयतुल कुर्सी और चारों कुल, अपने ऊपर दम किया और आसपास मैंने पढ़ के फूका। आप यकीन करेंगे कि मुझे बाकायदा फील हुआ रुआ वापस ऐसे यूं करके नीचे हो गया, जो एकदम माहौल बना हुआ था ना, जो आवाज़ सी या दबाव सा हो रहा था वो एकदम से जो है ना ख़त्म हो गया, और मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ थी और चली गई जबकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था। अब भाई हालत टाइट, मैंने बोला यार ये क्या सीन है, अब क्या करूँ मैं, दिल धक धक हो रहा और टेंशन। मैंने सोचा पहले इनको उठाता हूँ जो सो रहे हैं, फिर मैंने कहा यार नहीं, इनको ये इतनी गहरी नींद में उनको उठाऊंगा भी तो ये कहेंगे हाँ यार फैसल भाई कुछ नहीं है यार सो जाओ यार क्यों बिला वजह यार अब डर रहे हो। मैं अल्लाह अल्लाह करके वापस से पीछे होके बैठ गया, मैं लेटा नहीं। अच्छा अब मैं बैठ गया तो ऐसा ही लगे जाए ना बार बार कि अब कोई आएगा, ऐसे देख रहा कभी यूं देख रहा कभी ऊपर देख रहा, ऊपर से ना आ जाए नीचे से ना आ जाए, सही है। तो अब ना इस तरह से दो तीन घंटे गुजर गए। अब मैंने सोचा थोड़ा सा लेट हो भाई फैसल, कोशिश करो सोने की, ऐसे तो सुबह तक जागोगे कैसे, जाना है अभी घर भी जाना है। तो अब मैं लेटा, फिर दोबारा यही महसूस हो बराबर में कोई ना आ जाए, इधर देखूं उधर देखूं। फिर जब नींद बिल्कुल पीक पे हो गई ना, वही वाला जब मोमेंट आ गया ना जो खर्राटों वाला के टाइम पे आता था, फिर मैंने बोला मेरे भाई जिन आए भूत आए चुड़ैल आए कोई भी आए मैं सो रहा हूँ, जब आएगा जब की जब देखी जाएगी। इतनी नींद जब टाइट आई ना तो मैं सो। अब जब मैं सुबह उठा तो मैंने भाई को बताया कि यार ऐसा ऐसा सीन हुआ, तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि फैसल भाई आप डर जाते इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था, कल मेरे साथ भी सीन हुआ है। तो एक दिन पहले मैं अपने एक जानने वाले के साथ डिनर पे गया हुआ था तो वो अकेले थे, कह रहे हैं जब मैं दाखिल हुआ हूँ रूम के अंदर तो कबर्ड में से ना टक 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 करके कुछ आवाज़ें आई जैसे कुछ हिलाया अंदर, और जब मैंने खोल के देखा तो बिल्कुल खाली थी। कह रहे हैं मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था आप डर जाते। तो मैंने कहा यार मुझे बता देते या फिर रूम चेंज कर लेते, मेरे साथ भी सीन हो गया इतना बैड। खैर बस फिर दो तीन घंटे रह गए थे, हमें चेकआउट करना था, जाके हम लंच पे बैठे तो उन्होंने किस्से वगैरह सुनाए मुझे एक दो, और बताया भाई दुबई में तो बड़ा ऑफ सीन है यार, इस तरह के सीन होते रहते हैं। वो सिक्योरिटी कंपनी में बेसिकली किसी अच्छी पोस्ट पर हैं तो उनके अंडर में काफ़ी गार्ड्स होते हैं, तो वो गार्ड्स पूरे दुबई में फैले हुए हैं, उनके साथ तो मुख्तलिफ सीन होते ही रहते हैं। तो जी ये थी छोटी सी स्टोरी, और अगर इसका मोरल देखा जाए तो ये है अल्लाह के कलाम की ताकत। हमने सुना है हमेशा अपने बड़ों से और पढ़ते भी हैं, यकीन भी रखते हैं, लेकिन मैंने आजमा भी लिया। आप यकीन करें मिली सेकंड्स में ना जो भी मेरे साथ हो रहा था ना वो ख़त्म हो गया, और मैंने बाकायदा महसूस किया कि यार कोई चीज़ थी और वो चली गई, दिखा कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, भाई छोटी सी थी, किस्सा मेरे साथ छोटा ही हुआ है तो ज़ाहिर है वही सुनाऊँगा मैं, बनावटी बातें नहीं होती, रियल स्टोरीज़ होती हैं। और भी बहुत सारी रियल स्टोरीज़ हैं, इंशाल्लाह जल्दी आएंगी, इसके रिस्पांस पर डिपेंड करता है। इंस्टाग्राम पे फिर से बोलूँगा फॉलो कर दो, बार बार बोलूँगा कर दो कर दो कर दो, 50,000 पहुँचाने हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टोरी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।